अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू द वन न्यू फ्रेश व्लॉग। आई होप आप सारे लोग जो है बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल यहां से। जैसे कि आपको पता है हम दूध पथरी आए थे, तो एक व्लॉग यहां का जो हमने डाला, तो ये रहा जी दूध पथरी का कुछ ऐसा व्यू। तो बाइक्स वगैरह हमने यहीं पर चढ़ाई थी अभी जस्ट मतलब कुछ टाइम पहले, तो बाइक्स लगी हुई है वहाँ, टेंट भी वहाँ लगा हुआ है। तो अब हम जाने वाले यहाँ से सीधे ऊपर वहाँ की ओर। तो यहाँ से टूरिस्ट वगैरह इस टाइम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अब हमने भी सोचा हम जाएंगे ऊपर की ओर। मतलब यहाँ पर मौसम जो है चेंज होता रहता है। ऐसे 5 मिनट पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, इस टाइम भी धूप भी है, यहाँ से जो है पूरे बादल इस टाइम। तो अब हमने सोचा अब हम यहाँ से जो है निकलेंगे, देखते क्या सीन रहेगा। फिलहाल ये रही बाइक से यहाँ पे आगे, तो अब हम निकलने वाले हैं, तो निकलेंगे यहाँ से सीधे। जब हम यहाँ से निकलेंगे पूरे रेडी होके, जैकेट वगैरह हमें पहन लिया यहाँ से, अब हम जाएंगे सीधे ऊपर की ओर, देखते क्या सीन रहेगा। बाकी हम यहाँ से जो है निकलने वाले हैं, फुल पावर रेडी है, तो टेंट को हम यहीं पर छोड़ने वाले हैं तना तना। ये देखो जी, तो निकलेंगे यहाँ से सीधे, मिलेंगे आपसे सीधे आगे। ये आप देख सकते हो जी यहाँ पे कितने ज्यादा लोग हैं, यहीं पे हम आए थे। ये देखो यहाँ पे नदी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, और ये यहाँ पे हमारा बंदा परेशान बैठा है। ये हमारा बंदा यहाँ पे परेशान बैठा है, पता नहीं क्यों परेशान बैठे हुए। देखो जी यहाँ पे हम आए थे, तो हमने यहाँ पे फोटो शूट वगैरह किया। ये बंदा जो है नाराज हो गया था क्योंकि हमने इसके फोटोज वगैरह नहीं लिए थे। तो अपने आप खुश हो बिल्कुल, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस। तो बाकी यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा है, बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, टूरिस्ट वगैरह भी है। तो अब हम यहाँ से जो है वापस निकलेंगे क्योंकि अब हमें घर निकलना है यहाँ से, फिर लेट भी होगा। पर सुबह हम शाम को जो है लेट आए थे, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, मिलेंगे आपसे सीधे बाइक के पास। तो टूरिस्ट जो है यहाँ पे फुल मस्ती करे वो भी आपको दिखाएंगे, तो निकल गए यहाँ से। ये देखो जी ये यहाँ पे जो है फुल पावर मस्ती कर रहे हैं टूरिस्ट लोग, तो बाकी लोग भी यहाँ पे जो है अच्छे खासे मजे कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है हिल है, ऊपर जंगल है, वहाँ की ओर हम इस टाइम नहीं गए क्योंकि यहाँ पे जो है मौसम ही खराब है, क्या पता बारिश हो। तो अब हम यहाँ से जो है निकलेंगे सीधे घर की ओर, तो जाते हैं यहाँ से सीधे। हम जो है वहाँ से वापस आ गए, आप देख सकते हो यहाँ पे अपने टेंट के पास। तो हम आ गए टेंट के अंदर सीधे, तो हमने सोचा यहीं पे जो है हम व्लॉग करेंगे। तो बाकी बाइक हमने लगाई बाहर, वो हमने वहाँ से जो है बाइक वापस लाई। तो अब हम आ गए यहाँ पे, हमें निकलना था घर। आपको पता ही है कि मैंने बोला था पहले कि हम जाएंगे यहाँ से सीधे घर, लेकिन यहाँ से उस टाइम जो है थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से हम यहीं रुक पे रुके। लेकिन फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इस टाइम अच्छा मौसम है, तो हमने सोचा हम रुकेंगे यहीं पे। तो बाकी यहाँ पे फुल पावर मज़ा है। ये देखो जी ये भाई यहाँ पे जो है लगाए चाय वाय बनाने में, बाकी यहाँ पे जो है बाइक सामने यहाँ पे लगाई। तो अब हम जो है यहीं पे रुके, तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, लेकिन धूप भी अच्छी खासी है। मतलब उस टाइम थोड़ा सा मौसम खराब हो गया था, बारिश स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की गिरनी, तो जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम घर नहीं जाएंगे। तो बाकी अब हम रुके यहाँ पे, तो अब हम यहीं पे जो है स्टे करने वाले हैं आज रात के लिए भी। बाकी यहाँ पे मज़ा जो है फुल पावर है, यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैगी बन रही इस टाइम, तो अब हम यहीं पे रुकने वाले हैं। और दूसरा भाई जो है साकिब हो गया आप नीचे कुछ रोटी वगैरह लाने। तो बाकी यहाँ पे मज़ा जो है हमने एंजॉय फुल पावर किया यहाँ पे, तो ऐसे आना चाहिए, कैंपिंग में घूमना चाहिए। पहले जो है हम चाय वगैरह पीते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहेगा। ये देखो जी ऊपर से हमें बाइक दौड़ानी पड़ी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम जो है उनने मना किया रखने को। तो हमने यहाँ पे जो है बाइक रखी, हमारा टेंट है ऊपर, तो इन्होंने बोला फिर शाम को लाओ इवनिंग में। तो इस टाइम जो हम यहाँ पे अपनी बाइक पार्क की हमने इस टाइम यहाँ पे, तो हम जाने वाले, तो हम वापस जाने वाले यहाँ से, देखते कैसे रहेगा। फिलहाल जो है हम बाइक वहाँ पे छोड़ के सीधे आ गए ऊपर अपने टेंट के पास। ये आप देख सकते हो ये हमारा टेंट आ गए, तो अब हम आ गए यहीं पे। हमने सोचा कि यहीं पे जाएंगे, बाइक हमने रखी वहीं पे, उन्होंने बोला कि शाम को लाना फिर रखना यहीं पे। हमारी बाइक जो है यहाँ पे थी, तो यहाँ पे हमने जो है आग जलाई थी, हमने सोचा बाइक जो है वहीं पे रखेंगे। और साकिब भाई यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हो ये भी बेचारा बहुत काम करा है, बहुत मेहनत करा है यहाँ पे। फैजान जो है वह अंदर बैठता रहता है, मतलब दिन भर वो बैठा रहता है टेंट में, हम तो जो है लगे रहते हैं काम में, है ना। मतलब वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, वो किसी भी चीज में हाथ ही लगा रहा है। ये देखो जी से लगा है जैकेट, और देखो जी ये मतलब कुछ इतना सा नहीं कर रहा है, इतना सा ये बंदा। हम दो जो है फुल पावर काम कर रहे हैं, इसको मजा आएगा बैठ के खाना। तो अब देखते क्या सीन रहेगा। फिलहाल हमने जो है बाइक नीचे रख, फिर जो है हम वो भी लाएंगे बाइक अपने टेंट के पास, तो दिखाएंगे आपको उसी टाइम। बाकी यहाँ पे इस टाइम फुल पावर मजा है, वहां से जो है बच्चे खेल रहे हैं। तो अब हम यहीं पे देखते क्या सीन रहेगा, वो आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, यहाँ पे जो हमारी लास्ट मैगी यहाँ की,
हमने जो है शाम को बनाई, इस टाइम बराबर जो है 11 बज रहे हैं, तो हम गए थे मैगी बनाने यहाँ पे, तो हमने जो है कंप्लीट किया। अब यहाँ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी होगी। आप देख सकते हो बाकी यहाँ का व्यू बहुत ही तगड़ा है। हमने जो है बाइक यहाँ पे रखी थी उस टाइम, फिर ये देखो जी टैंक हमारा ये है। तो हम जाएंगे जल्दी यहाँ से सीधे अंदर, ये पहले खाएंगे यमी यमी मैगी, तो फिर मिलेंगे आपसे सीधे कल, क्योंकि आप जो हम टेंट में रहेंगे रात को। तो सी यू टुमारो। 2000 years later. So finally guys, हम जो है नींद से जागे, तो ये हो रहा है नेक्स्ट दिन, मतलब शूट। कल हमने जो है आधा शूट किया था, मतलब कुछ शॉट जो हमने कल डाले थे मतलब ब्लॉग में, तो अब हम जो है नींद से भी जागे, तो अब फ्रेश व्रेश होके हमने सोचा पहले ब्लॉग करेंगे। तो ये देखो जी, ये अपनी बाइक्स लगाई थी रात को हमने यहाँ पे, और ये पीछे रहा अपना टेंट, और बाकी आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ का, मतलब देखो जी अभी सवेर आई है। तो हमने सोचा हम पहले बाहर निकलेंगे फ्रेश व्रेश हो, टेंट से जो है बाहर आ गए, हमने सोचा पहले जो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब फ्रेश व्रेश हम हो गए, अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ही जो हम तैयारी करेंगे निकलने की, मतलब हमें घर जाना है। अब पहले हमें कहीं जगह जाना है, चीज़ें लानी है बाइक के लिए, वो भी लाएंगे वहीं से, फिर निकलेंगे यहाँ से सीधे हम घर की ओर। तो बाकी यहाँ पर जो हमने मज़े अच्छे किए, लेकिन शादी थी आज रात बहुत ज़्यादा, कल नहीं थी आज थी, तो जैसा भी था अब, लेकिन एंजॉय ने फुल पावर किया, मस्ती की अपने भाइयों के साथ। तो अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से सीधे घर की ओर, तो देखते हैं क्या कुछ सीन रहेगा। पहले हम चाय वगैरह पियेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे, तो बाकी आपको दिखाएंगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल हमें सोचा था पहले हम ब्लॉग करेंगे, मतलब नींद सब अभी जागे थे। तो ये देखो जी, अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, पूरा सामान जो है हमने पैक किया, टेंट वगैरह, तो अब निकलने वाले हैं यहाँ से सीधे श्रीनगर की ओर। तो इस जगह को बाइक करके निकलेंगे हम सीधे, क्योंकि लेट भी नहीं होना चाहिए, तो निकलते हैं जल्दी, मिलते हैं आपसे सीधे आगे। देखो जी गाइस, फिलहाल जो है हम बड़गाम डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए, आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं सीधे श्रीनगर की ओर। तो गेस व्हाट गाइस, दूध पथरी से हम वापस आ गए, तो पहुंच गए हम सीधे घर। और आपने कुछ शॉर्ट्स में देखा होगा कि हमने अपनी बाइक का टायर भी वहाँ से आके जो है चेंज करवाया, तो उसी के साथ हम रुके यहाँ पे। अब हमने सोचा पहले हम आपको दिखाएंगे, तो टायर हमने चेंज करवाया, हमने सोचा पहले वही दिखाएंगे। तो देखिए जी, ये रही हमारी बाइक अपने साथ, क्रैश गार्ड भी हमने जो है लगवाई बाइक में, ये देखो, ये रहे क्रैश गार्ड यहाँ पे, दिखाते हैं आपको सीधे। खुद ही गाइस, हमने जो है राइड भी मारी एक मस्त सी, आप देख सकते हैं इस वाले टायर पे, ये रहा हमारा नया टायर कैसा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हो, इस साइड में पिक्चर डालूंगा पुराने टायर की, और आप देखो नया टायर ऐसा कुछ हमारे सामने। बाकी हमने जो बाइक में क्रैश गार्ड्स भी इंस्टॉल करवाए, क्योंकि बाइक जब गिरती है तो ये पैनल वगैरह जो है क्रैक होती है, इसलिए हमने ये भी लगाए थे पहले, अब हमने जो है ये भी लगाए। तो बाकी बाइक में पूरी मॉडिफिकेशन हो रही है, तो ये आप देख सकते हो। ये देखो जी, ये रही पीछे अपनी बाइक, और भी कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है बाइक में, वो भी करवाएंगे। तो हमने सोचा पहले इस वाले ब्लॉग को करते हैं, तो ब्लॉग को बिना टाइम वेस्ट करते हैं। किसी भी रीजन से जो है ब्लॉग पसंद आए, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना क्योंकि बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं किसी अच्छे नए और प्यारे ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, वर्क हार्ड, गुड बाय।